बीच में और भी काम करने पड़ते हैं, छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है, तो अभी टाइम बहुत हो गया है। पत्थर कटने वाला वो यहाँ पर ले रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ। तो अभी ये लोग आए थे दिव्यापुर से, वहां से काफी सारे गमले आए जो कि खाली हैं, पौधे भी हैं और कुछ कटिंग्स हैं, तो उन्हें आज हमें लगाना है वरना लेट करेंगे तो सारे कटिंग्स हमारे खराब हो जाएंगे। तो मिट्टी बनानी है, तो मिट्टी बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ेंगी। मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये आ जाते हैं, फिर हम दोनों लोग मिलकर करते हैं पौधों वाला आज काम खत्म। और दूसरी चीज ये है कि आज शायद जो मैंने हॉप टॉप देखा था तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर मैं दिखाती हूँ कि हॉप टॉप कैसा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद ये हॉप टॉप लिया है और उसको यूज करने के बाद फिर मैं इसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि जो लोग डरते हैं कि हॉप टॉप लेना चाहिए या नहीं, कुक टॉप लें क्या लें, कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगी। खोल के देखेंगे क्या? फिर हमने भैया से हॉप टॉप ओपन करवा के देखा कि ग्लास में कहीं स्क्रैच या टूटा तो नहीं है। मेरे स्टैंड बाहर कहीं लगे हुए हैं, उनमें गमले नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे इतने सारे गमले हैं नहीं, वो सारे घर पे ही हैं। थोड़े से जो छोटे गमले थे वो आ गए तो उनको स्टैंड में लगा दिया है। तो भी हमारे पास जो गमले रखे हुए नए कुछ रखे हैं तो वो आ गए, तो उनमें हम मिट्टी भर के और बाहर लगा देते हैं। कुछ कल गए थे मार्केट तो वहाँ से कुछ पौधे भी ले आए हैं, उनके लिए हमें मिट्टी यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। घर पे रहते थे तो वहाँ पे छत पे करते थे ये सारे काम, और यहाँ पे अब हमें बालकनी ढेकनी पड़ती है क्योंकि फ्लैट में ये सब चीजें होती कि आपको ज्यादातर काम बालकनी में करनी हो। यहाँ पे आपको ऐसी छत नहीं मिलेगी जैसे घर पे हम लोग पूरा छत यूज करते थे, पीछे की बगिया भी यूज करते थे बहुत। कोकोपीट हमने धुल लिया था और अब मिट्टी पलटती है, इसके ऊपर डाल दिया सुपर लाइट और नीम की खलिया भी डालेंगे और फंजिसाइड, ये सारी वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया। तो सारी चीजें डाल के मिक्स कर लेते तो हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम उनको रखने के लिए सोच रहे थे कि जल्दी हो जाएगा, एक डेढ़ घंटे में निपट जाएंगे, लेकिन बीच में और भी काम करने पड़ते हैं, छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है, तो अभी टाइम बहुत हो गया है। यहाँ पे हमने अपने सारे पौधे लगा दिए, ये पहले से लगे हुए थे और कुछ जो आज किए वो इधर कर दिए। दो स्टैंड मेरे पूरे कवर हो गए और ये बालकनी में जो पाइप वगैरह रखे थे वो सब पूरा हटा के पूरी आज ये बालकनी क्लीन कर देंगे। और यहाँ पे आज संडे का दिन है तो बच्चे आ चुके हैं। हमारा जो हॉप टॉप था वो आ गया है और अभी जो है वो फिटिंग होगी पूरी, पत्थर कट के पूरा वहाँ पे फिट होगा। तो वो लोग भी आ गए हैं, तो भी पत्थर कटने वाला वो लोग नाप वाप ले रहा है, तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से, पता मैं पहली बार देख रही हूँ किस तरह से हॉप टॉप लगता है। अभी ये लोग पत्थर काट करके चले गए हैं और वहाँ पे उन्होंने सीमेंट लगा दिया है, तो अभी इसमें पानी डालना है और वो आज पूरी रात भर में वो अच्छे से मजबूत हो जाएगा, सील हो जाएगा चारों तरफ से, फिर कल गैस इंस्टॉलेशन वाले आएंगे और वो पूरा इंस्टॉल करके चले जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।